गूगल मीट में हम किस तरह से किसी मीटिंग पर एंटर करें और किन बातों का ध्यान रखें, एक वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो सबसे पहले जो हमें ये ब्लू कलर का लिंक दिया है, ये मीटिंग का लिंक है, इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हमारे सामने एक इंटरफेस खुलता है और जिसमें हमसे कुछ ऑप्शन है हमारे सामने और साथ में कुछ टूल भी हैं। तो आइए देखते हैं इन टूल्स और ऑप्शन को बारी बारी से। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा आप, एक वीडियो टूल दिख रहा है आपको और एक ऑडियो टूल है, एक ज्वाइन मीटिंग का है और एक शेयर स्क्रीन का है। तो हमें क्या चीज़ चूज़ करनी है और क्या नहीं करनी है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले जो ये वीडियो का ऑप्शन है, आप किसी भी मीटिंग में एंटर करते समय इसको ऑफ़ कर लीजिए। हमने जैसे ही वीडियो ऑफ़ किया तो हमारा वीडियो ऑफ़ हो गया। इसके बाद आप मीटिंग एंटर करने से पहले ऑडियो को भी ऑफ़ कर लीजिए, जिससे कि आपकी उपस्थिति की वजह से मीटिंग में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो हमने ऑडियो भी ऑफ़ कर लिया, जो जो हम ऑफ़ कर रहे हैं उसके आगे क्रॉस बना जा रहा है। इसके बाद बहुत ध्यान से हमें देखना है कि जो शेयर स्क्रीन है इसको हमने बिल्कुल भी टच नहीं करना है मीटिंग एंट्री करते समय। कई साथी हमारे शेयर स्क्रीन टच कर देते हैं, जिससे कि जो भी मीटिंग में प्रेजेंटेशन चल रहा होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमेशा हमें ज्वाइन मीटिंग करके ही मीटिंग के अंदर जाना है, शेयर स्क्रीन नहीं करनी है। तो जैसे ही ज्वाइन मीटिंग करी, हम गूगल मीट के अंदर एंटर हो गए। अब आप यहाँ पर देखिए, इधर भी आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो बारी बारी से इनको देखेंगे। यहाँ पर ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं, ये माइक्रोफोन ऑफ है क्योंकि उसके आगे क्रॉस बना है। माइक्रोफोन का मतलब इस समय मेरी आवाज़ मीटिंग में नहीं जाएगी। ये वीडियो ऑफ है, इसके आगे भी क्रॉस बना है, इसका मतलब मेरा वीडियो भी मीटिंग में नहीं दिखाई दे रहा होगा। और ये जो है, इसके सिंबल से ही पता चल जा रहा है कि ये मीटिंग से एग्जिट करने का बटन है। अगर आप जैसे ही इसको टच करेंगे तो आप मीटिंग से बाहर हो जाएंगे। तो जब मीटिंग में आपसे वीडियो ऑन करने के लिए कहा जाता है तो उस समय आप इस टूल को यूज करते हैं। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो दिखने लग जाएगा। और जब आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है और आपसे उत्तर देने के लिए कहा जाता है तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी आवाज़ सब लोगों को सुनाई देगी। देखिए, जैसे हमने वीडियो ऑन किया तो स्क्रीन में वीडियो दिखने लग गया है, और जैसे मैं टच करूंगा उसको फिर से ऑफ हो गया, उसके आगे कट का निशान आ गया है, फिर से वीडियो बंद हो गया। ऐसे ही जब माइक्रोफोन ऑन किया तो यहाँ पर देखिए आप, अब 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब मेरी आवाज़ जाने लग गई है। और जब हमें हमारी बात पूरी हो जाती है, हमें फिर से म्यूट होना होता है क्योंकि सब लोग बोलेंगे तो मीटिंग में डिस्टर्ब होता है, तो हम उसी बटन को फिर से क्लिक करेंगे और उसके आगे क्रॉस बना गया और माइक्रोफोन ऑफ हो गया है। अभी जो 3 डॉट्स हैं इनका क्या काम है, इनको देख लेते हैं हम। 3 डॉट्स में हमारे क्या काम के इसमें टूल्स हैं, तो इसको हम क्लिक करेंगे 3 डॉट को। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहले दिख रहा हमें इन कॉल मैसेजेस, शेयर स्क्रीन, टर्न ऑन कैप्शन और रिपोर्ट अ प्रॉब्लम। तो हमारे एज अ ट्रेनी हमारे जो काम के टूल्स हैं इसमें वो है इन कॉल मैसेजेस। तो जब हमने मीटिंग के दौरान अपनी उपस्थिति देनी है या फिर कोई क्वेरी करनी, कोई प्रश्न लिखना है, तो उसके लिए हम इस इन कॉल मैसेज वाले टूल को यूज़ करेंगे। इसको जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखिए कि जो विंडो खुली, इसमें हमारे पास पूरा मैसेज लिखने के लिए एक इंटरफेस है और यहाँ पर हम अपना मैसेज लिखेंगे। उसके बाद हम इस बटन को क्लिक करेंगे जिससे मैसेज सेंड हो जाएगा और बाकी लोग हमारे मैसेज को देख सकेंगे। तो जैसे मैं मैसेज लिख रहा हूँ, मैंने हेलो लिखा, इसके बाद इसको एंटर कर दिया, तो यहाँ पर देखिए सभी लोगों को वो हेलो लिखा दिखाई देगा। तो इसी तरह से हम अपनी उपस्थिति भी मीटिंग में देंगे और साथ ही जो हमारे द्वारा प्रश्न पूछे जाएंगे, जो क्वेरी की जाएगी, वो भी इसी तरह से की जाएगी। इसके बाद मैसेज बॉक्स से बाहर निकलने के लिए जो क्रॉस है, इसको जैसे हम कट करेंगे तो हम मैसेज से बाहर आके अपनी मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे। एक यहाँ पर साउंड का भी है, आप इसको भी देख सकते हैं, ये दिख रहा है। तो जैसे आप इसको क्लिक करते हैं
तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, स्पीकर, फोन, ब्लूटूथ, ऑडियो ऑफ या कैंसिल। अगर आप फोन को स्पीकर में लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले वाले टू को यूज़ करेंगे, और अगर फोन मोड में रखना है तो दूसरे वाले को, अगर आप ब्लूटूथ या कोई हेड डिवाइस लगा रहे हैं तो तीसरे वाले को, अगर आप ऑडियो बंद करना चाहते हैं, आप नहीं सुनना चाहते कि मीटिंग में क्या चल रहा है, तो ऑडियो ऑफ, और पांचवा बटन कैंसिल का, इस विंडो को ऑफ करना है तो हमने कैंसिल कर दिया। तो इस तरह से इन टूल्स को हम गूगल मीट एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे, जिससे कि हम अच्छे से किसी भी मीटिंग में, किसी भी ट्रेनिंग में अपनी उपस्थिति दे सकें बिना दूसरों को डिस्टर्ब किए हुए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको मीटिंग के लिए लाभदायक होगा। थैंक यू।